आज तक हुसैन की अम्मी अपने बेटे को नहीं भूली है, और मैं नहीं भूला हूं कि वो किस तरह मेरे सामने रो रही थी। उस लाचार मां को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। ऑफिसर, मुझे ना सब मालूम है। तुम्हें हुसैन की मां को खुश देखना है ना, मेरे पास रास्ता है। कोई भी डेड बॉडी को लाकर कहेंगे कि ये हुसैन की लाश है, तू हमारा साथ दे और मुंह बंद रख। हम उस बॉडी को गवर्नमेंट को सौंप देंगे, पैसे मिलेंगे। चुपचाप पैसे ले ले, उस पैसे में से कुछ हम हुसैन की माँ को भी दे देंगे। सीधे आदमी को टेढ़ी सलाह दी तो छे की छे ठोक डालूंगा। ऐसे भी साहब, इसकी डेड बॉडी दिखाकर गवर्नमेंट से पैसे लेना और इसकी माँ को दे देना, तब इसकी माँ को सुकून मिलेगा। ऑफिसर, आई एम योर सीनियर ऑफिसर, ये मत भूलो। आप मेरे सीनियर ऑफिसर है, ये बात मुझे भुलाने पर मजबूर मत कीजिए। सुने ऑफिसर, तूने पूछताछ कर ली है, अल सलीम ने हुसैन को फोन नहीं किया था, और कोई एविडेंस है तेरे पास? अल सलीम झूठ कह रहा है, अल सलीम झूठा है। पता है हुसैन गायब क्यों हुआ है? पिछले साल सीएम पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके सबूत शायद हुसैन के पास थे, इसीलिए अब मैं वो केस हाथ में लूंगा और मैं भी गायब हो जाऊंगा। गायब होकर हुसैन के बारे में पूरी छानबीन करूंगा और पता लगाऊंगा सच्चाई क्या है। ऑफिसर, तू क्या कहना चाहता है? सीएम की मीटिंग में बॉम्ब लगवाया था अल सलीम ने? अपने आदमी को फिट करने के लिए पिछले सीएम को अल सलीम ने ही मारा है। ओ, सच्चे? हाँ, यही सच है। अरे होगा, सच होगा, पर तू साबित कैसे करेगा? कोई एविडेंस है तेरे पास? ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है सर? पुलिस वाले का एक ही काम है एविडेंस ढूंढना, उसी की सैलरी तो हम लेते हैं। इनकी बातों से लगता है ये पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। शहर में कचरा भी करते और साफ भी नहीं करते। एविडेंस 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 ढूंढने का ही तो काम है हमारा। बकवास बंद कर। तू कहता है अल सलीम ने बॉम्ब रखा, तो वो क्या खुद गया था? पेपर, गुड मॉर्निंग सर। पिछले साल जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो तुझे याद है? रोज बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं ना सर। वैसे आप कौन से ब्लास्ट की बात कर रहे हो? गणपत, सीएम साहब की पब्लिक मीटिंग में जो ब्लास्ट हुआ था वो वाला अजुन को अल सलीम, उसी का तो काम था ये। अल सलीम जानते नहीं? सीएम बिकने को तैयार नहीं थे, बम लिया और उसे उड़ा दिया। अल सलीम, उसी ने मारा पक्का? ओ सर, अल सलीम नहीं बम रखा था। अच्छा, अल सलीम कैसे बम रख सकता है? क्या वो खुद गया था वहाँ? क्या हो गया आपको बताइए? ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। शाहजहां ने? तो क्या उसने खुद बनाया था? नहीं सर, उसके आदमियों का हाथ था। शाहजहां ने पैसे दिए और उसके आदमियों ने उसका काम पूरा किया, वैसे ही अल सलीम ने पैसे दिए और उसके आदमियों ने बॉम्ब लगा दिया, बॉम्ब फटा और सीएम दुनिया से उठा। केस सॉल्व, कितनी सिंपल केस है। काय तुम्ही पण, आप इतना बड़ा पुलिस वाला है, मैं अखबार बेचने वाला बच्चा हूँ, लेकिन मैंने केस सॉल्व कर दिया और आप नहीं कर पाए। पेपर, न्यूज़पेपर। रंजीत प्रसाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लिली सर, पिछले साल के बम ब्लास्ट के सारे डिटेल्स निकालो। आई नीड फुल डिटेल्स। हादसा हुआ था 30 अक्टूबर को सर। 1 नवंबर को इंस्पेक्टर हुसैन को ये केस सौंपा गया। धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो आया था सुब्रमण्यम केमिकल्स से। 3 नवंबर 2013 में जो प्रेस मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि अल सलीम के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, पर अगले दिन से वो लापता है। हुसैन के जुटाए सारे सबूत कहां पर है? वो एक्सीडेंट में जल गए सर। जले या जलाए गए? रोको एक मिनट, रिवाइंड, जूम करो। फैक्ट्री किसकी है? अल सलीम के आदमी सुब्रमण्यम की। पूरा माल हमने ट्रक में भर दिया है। वो आ रहा है सामने से, बाद में बात करते हैं।
आपने मुझे क्यों बुलाया? सर, आपके हंसने की वजह मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं सुबह पेपर में पढ़ के आया हूँ, ये न्यूज मुझे याद रहे इसलिए मैंने काट कर इसे दीवार पर चिपका दिया है। सर, यही दिखाने के लिए बुलाया? सीएम ने फोन पर झाड़ा मुझे, वॉर्न किया था ना तुझे? सर, मुझे ट्रक पर रेड करनी थी इसलिए मैं वहां गया था। इन्फॉर्मेशन हम में से ही किसी ने लीक की, मेरे हाथ में पिंजरा थमाकर बड़े पंछी आसानी से फुर हो गए। आरडीएक्स भी छुपा दिया। ओके, सच होगा, मैं मानता हूं, लेकिन दूसरों का क्या? उनको तो एविडेंस लगेगा, एविडेंस। पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेगा सड़कों पर यूं चूहे पकड़कर। हम पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, वो भी तेरी वजह से। ये घटिया मतलब ही हंसी हंसना बंद करिए सर। सर, पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट से नफरत करने वाली जनता को इज्जत देना किसने सिखाया? मैंने। उनमें विश्वास जगाया मैंने, फिर भी आप मुझ पर हंस रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के गायब होने की एक साल पहले रिपोर्ट लिखवाई थी, कुछ नहीं हुआ। वो पुलिस डिपार्टमेंट पर मेरी वजह से भरोसा करने लगी, उसका विश्वास मैंने जगाया मैंने। उसके भरोसे को मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, लिख लो। एविडेंस, आपको एविडेंस चाहिए? वो भी मिल जाएगा एक दिन, और जिस दिन मिलेगा मैं इस क्राइम के पीछे छुपे सारे लोगों को नंगा कर दूंगा, फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन हंसता है। आईजी रंजीत प्रसाद सर, जब तक मैं उस औरत को इंसाफ नहीं दिला देता, शहर के किसी भी गुनहगार को चैन से सोने नहीं दूंगा। हेलो, हाँ, काम तमाम कर दो। Hey, stop the car. No parking से कार हटाओ। नहीं 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 सर। आपकी गाड़ी है, हटाओ। अल सलीम जी की है। किसकी? अल सलीम जी। अल सलीम। एविडेंस चाहिए था ना, यहाँ बहुत सारे गवाह हैं। दिलीप सर, फोटोग्राफर को बुलाओ। यस सर। तो चलो निकलते हैं। वेयर इज माय कार? जल्दी कर वरना हम गैराज पहुंच जाएंगे। सर आइए सर। वेयर इज माय कार? ये नहीं खरीदी है सर, एस क्लास ब्रांड न्यू। सर आ जाइए ना सर। वेयर इज माय कार? नो पार्किंग में पार्किंग की थी सर, पुलिस वाले टो करके ले गए सर। हु? वही सर जो ऑफिस में आया था।
आई जी रंजीत यहाँ है? नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया है। आई जी को मैंने बोला तो उसने तुझे यहाँ भेजा। वो सब मेरे इशारे पर नाचते हैं। अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया तो तेज रफ्तार से इस हाईटेक गन से 334 मिलीमीटर की एक बुलेट निकलेगी जो सीधे तेरी खोपड़ी में जाकर लगेगी एंड विद इन 0.1 सेकंड तेरा भेजा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के कंक्रीट फ्लोर पर गिरा होगा। बेवकूफ, उसके बाद तू और तेरा साम्राज्य खत्म। कितना आसान है तुझे मारना। हे अल सलीम, तुझे दुनिया से टपकाना चुटकी बजाने जितना आसान है। याद रख, मेरा मकसद इंसान को मारना नहीं, उसके अंदर के शैतान को मारना है। तुम जैसे लोगों को मारकर कुछ नहीं होगा। तुम जैसों में पैदा हो रहे पाप के विशाल पेड़ को मुझे जड़ से काटना है। देश को खोखला करने में बस तेरा ही हाथ नहीं है, तुझसे डर कर केस बंद करने वाले ACP भी गद्दार हैं। तेरे टुकड़ों पर पलने वाला, तुझे भगवान मानने वाला हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल गद्दार है। पिछले 25 सालों से न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जाने ली, न जाने कितने गरीबों की खून पसीने की कमाई लूटी, लेकिन अल सलीम आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। मैं IPS ऑफिसर करमवीर प्रताप 25 साल बाद तेरी बैंड बजाने सिल्वर जुबली पर आया। अल सलीम और तेरे जैसों को भगवान मानकर, मेरे जैसे ईमानदार ऑफिसर को कठपुतली बनाकर जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें मेरे नाम से पेशाब छूट जाएगी। इस समाज को तुम जैसे लोगों से मुक्त करने के लिए ही मेरी माँ ने मुझे पैदा किया। रामायण भगवद गीता को काफी बार पढ़ने के बाद भी उसे न समझने वाले लोग तेरे वध के बाद उसे समझेंगे।